जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:52 हो गई है। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आज हम बोल सकते हैं ब्लैक फ्राइडे का डे रह गया, और ये भी बहुत बड़े इवेंट के पहले। क्रिसमस है संडे को, और मार्केट क्रिसमस के बाद मंडे को खुलेगा। 17,806, 41,668। देखते हैं आज क्या हुआ है। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो कि 15,183 का लो था इस महीने में, इस साल में 15,183, इस पूरे 2022 साल का लो था। अगर उस बॉटम से आप इस वाले लो को टच करो जो कि 16,747 है, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करो, तो अभी तक मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड शो कर रहा था। देखिए, ये है इस साल का बॉटम, इस पूरे साल का बॉटम है 15,183, ठीक है। और ये अभी एक और बॉटम बना था 16,747। इन दोनों को मैंने टच किया और ट्रेंड लाइन को खींचा, तो अभी तक कल तक मार्केट एक संभला हुआ था इस लाइन के ऊपर था। एक सेकेंड, ये लाइन को मैं थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि ये लाइन अभी भी लंबी थी, मतलब ये लाइन जीवित थी, सपोर्ट की लाइन। ये हो गया 15,183, जून महीने में आया था 16,747, ये सितंबर में आया था। हर 3 महीने में एक लो बन रहा है, ठीक है। ये जून में बना, सितंबर में बना, अब ये दिसंबर में बन गया, ठीक है। मगर दिसंबर वाले लो ने आज इस लाइन को काटा है, ठीक है। कल तक ये ठीक था कि दिसंबर का लो इस लाइन के ऊपर था, ये जो लाइन है, लेकिन आज इसको बहुत ही कन्विंसिंगली काट लिया। आज तभी बच पाता था अगर हम 18,002 के ऊपर क्लोज करते, जो कि बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कल का क्लोजिंग 127 था। तो हम अगर 100 पॉइंट नीचे भी बंद करते तो भी हम इसके ऊपर क्लोज होते थे, लेकिन आज हमने सारे दायरे तोड़ के 780 का लो बना दिया। अब ये 780 का जो लो है, वहाँ लो बन के क्यों रुका मार्केट, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लो था, हाई था 777। सॉरी, ये लो था बहुत ही इम्पोर्टेंट 777, ये था चौदह सितंबर का लो, और आपको 777 दिखाता हूँ। अब अगर आप इसको हाई को गिनोगे, 30 अगस्त का हाई भी 777 था, 14 सितंबर का लो भी 777 था, 771 था। तो ये 770 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में आज काम किया है, लेकिन ये सपोर्ट टिकाऊ तब मानेंगे अगर मंडे को मार्केट, क्योंकि देखिए एज पर डाउ थ्योरी के हिसाब से कोई भी एक बड़ा लेवल, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये जून से लेके मैं दिसंबर तक का दिखा रहा हूँ, ठीक है। जून में जो लो बना था 15,183, जो हमारे इस पूरे साल का लो है, दिस 2022 का लो है 15,183, उससे अगर आप ट्रेंड लाइन को खींचोगे, और जो सितंबर में लो बना था 16,747, उन दोनों को हम कनेक्ट करके अगर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो आज तक ये ट्रेंड लाइन इंटेक्ट थी। दिखा आपको,
आज तक ये ट्रेन लाइन इंटैक्ट थी, ठीक है। अब मेरा मानना था कि इसको आज अगर टच भी कर दिया तो अब अगला मूव ऐसे आएगा, ठीक है। आया समझ में? लेकिन इसने इसको ब्रेक किया और मुझे मानना पड़ेगा कि आज मार्केट ने पूरी तरह से रॉन्ग साबित कर दिया। कल तक मेरे पास लास्ट होप बची हुई थी कि आज का दिन एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि थर्सडे को बड़ा लो बना है। ऑलरेडी हम थर्सडे को 18,068 का लो बनाए थे, तब तक हम इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही थे। और हमने कल थर्सडे को क्लोज भी बहुत इम्पोर्टेंटली 114 के ऊपर किया था, जो हमारा पहाड़ का तीसरा लेवल है। अब ये मार्केट को इतना गिराया है कोरोना की न्यूज़ पे, आई कांट बिलीव दिस, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई भी कोरोना का लफड़ा नहीं है जितना बड़ा दिखा के हमको गिरा। तो ये हो सकता है आपसे माल छीना गया हो, लेकिन अभी टेक्निकल चार्ट पे यहाँ क्लियर कट एक ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन को डाउ थ्योरी के हिसाब से हमको तब मानना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ, डाउ थ्योरी एनी इंपॉर्टेंट लेवल, एनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज ब्रोकन ओनली व्हेन वी हैव टू कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स बिलो सपोर्ट और अबव रेजिस्टेंस। कोई भी अगर लेवल जो होता है एज पर डाउ थ्योरी, कोई भी बड़ा लेवल जो होता है, बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो तब टूटता है जब उसके नीचे या ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है। तो आज हमने पहली क्लोज किया है, लेकिन अब अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इसको इंटैक्ट रहने के लिए मंडे को मार्केट को 18,035, आप लिख सकते हो 18,035, जो कि तीस लिखिए आप, क्योंकि ये 30 के करीब ही है, ठीक है। इसके ऊपर मंडे को क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब ये ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि मार्केट को इसके इस टेरिटरी में घुसना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास डेली चार्ट में कोई भी चारा दिखाई नहीं दे रहा। अब नीचे में कहाँ तक दिखता है, अगर हम अगर ओवरसोल्ड को नहीं गिने तो नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ आता है दोस्तों, 17,500 के करीब, जो मैंने कल भी बोला था 959 टूटेगा तो सीधा 17,500 का लेवल, ठीक है। ये बड़ा सपोर्ट है नीचे, मगर यहाँ एक फैक्टर हमारे फेवर में काम करेगा, थ्री ब्लैक क्रॉस, तीन बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, इतिहास गवाह है। तीन बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद चौथी वाली कैंडल जनरली बुलिश बनती है। तीन बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद यहां देखिए, तीन बड़ी रेड कैंडल, ठीक है,
तीन बड़ी यानी कि तीन निगेटिव बड़े दिन। तो इतिहास बोलता है तीन बार अगर निगेटिव कैंडल बड़ी बड़ी बन जाए इस तरह से, तो इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। क्या बोलते हैं? थ्री ब्लैक क्रोज। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? थ्री ब्लैक क्रोज। अच्छा, आज मैं बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं राइट नहीं होता हूँ, लेकिन ये मैं इतना रॉन्ग 3 दिन से मैं कंटिन्यू रॉन्ग हो रहा हूँ, तो आज आपको दिल लगा के डिसलाइक दबाना चाहिए। ये मेरा करियर में ऐसे टाइम टोटल बार टोटल मिला के 20 या 22 बार आ चुके हैं जब मैं 3 4 दिन कंटिन्यू रॉन्ग हुआ, कंटिन्यू 3 4 दिन 5 दिन। ऐसे मुझे इतने बड़े लाइफ के करियर में, मतलब जब से मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ, करियर तो मेरा बहुत लंबा है, उसमें मैं ऐसा 20 या 22 बार हुआ कि मैं 3 4 दिन कंटिन्यू रॉन्ग गाड़ी को पिक किया। देखिए यहाँ क्या हुआ, मैं कंफ्यूज क्यों हुआ? यहाँ देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, ठीक है, मैं कहीं रॉन्ग नहीं था, लेकिन और यहाँ तक इसने क्या किया, वापस से एक पॉजिटिव कैंडल, लेकिन यहाँ इनसाइड बार बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया, और अगले दिन इसने एक बुधवार के दिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी। और उसके बाद भी मुझे क्या लगा कि अभी भी कई सपोर्ट इंटैक्ट है तो बच जाएंगे हम। कल एक साइमल्टेनियसली एक और बड़ी रेड कैंडल बनाया, लेकिन कल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे उसने क्लोज किया, क्योंकि 18,114 एक टाइम का हमारा टॉप था, थर्ड टॉप था, जो आज तक के हमारे तीन टॉप थे बिफोर दिस मंथ। इस महीने को छोड़ दें हम दिसंबर को और नवंबर को, जहां ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुए, ब्रेक हुए, नवंबर में भी नया ऑल टाइम हाई बना और दिसंबर में भी नया ऑल टाइम हाई। उसके पहले हमारे तीन टॉप थे, पहाड़ के तीन टॉप थे। पहला टॉप था 18,604, सेकेंड टॉप था 18,350 और थर्ड टॉप था 18,114। तो कल हमने इन स्पाइट ऑफ सच ए फॉल 18,114 को रेस्पेक्ट देके 127 पे क्लोज किया था। तो मैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि तीसरा वाला पहाड़, ये देखिए पहाड़ की जब मैं बात कर रहा हूँ वो तो आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए एक चीज़ जब ये खुल गया तो ये भी देखिए, निफ्टी का PCR 0.74 आ चुका है, मनी कंट्रोल वाला। यहाँ इसको मैं, और आज पहला दिन है सीरीज का, पहला दिन है इस वीकली सीरीज का, पहले दिन 0.74 मैंने पूरी लाइफ में बोल रहा हूँ 2 या 3 बार ही देखा, और जब जब देखा है अगले दिन बहुत बड़ी तेजी आई है। तो आज पहला दिन क्लोज होने के बाद हम 0.74 पे क्लोज किए, तो मंडे को खुलना तो बड़ी तेजी से, लेकिन वो टिकेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि PCR 0.70 पे तो मैं बोलता हूँ कि बिंदास खरीद लो। और ये मंथली PCR हो गया, क्योंकि अब इस वीक में मंथली भी एक्सपायरी होने वाली है। जिन तीन टॉप की मैं बात कर रहा था, मैं वीकली चार्ट खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये था 18,604 पहले का ऑल टाइम हाई, ये था 18,350 सेकेंड टॉप, ये देखिए एक पहाड़, इसका सेकेंड टॉप, ये पहाड़, इसका थर्ड टॉप 18,114 ये वाला, ठीक है। तो कल तक हम इस 114 को सेव किए हुए थे, ठीक है।
और ये देखिए 114 काफ़ी दिन नहीं टूटा, यहाँ 3 बार 4 बार कोशिश हुई, ये 18,096 पर रुक गया, यहाँ जाके टूटा। तो अभी तक ये सेफ था, तो मैंने सोचा कि यार कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट ने मुझे बिट्रे किया। फिर से हम उस पे जाते हैं। अब ये जो 3 ब्लैक क्रोस बने दोस्तों, इतिहास बोलता है कि 3 बार बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन जाए, बड़ी रेड कैंडल, ये छोटे छोटे 3 रेड कैंडल नहीं, बड़े बड़े, उसके बाद क्या होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा ढूंढते, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, मुझे पता है मैं पूरा निकम्मा साबित हुआ हूँ आज, ठीक है। तो मुझे कोई ये नहीं है बोलने में कि मैंने 4 दिन से साला तू रॉन्ग हो रहा है कंटिन्यू, ये कोई तरीका है? गैप अप खुलता तो टिकता कहाँ है? तीन बड़ी रेड कैंडल, ये देखिए यहाँ पे 3 बड़ी रेड कैंडल टॉप से गिरा, 3 बड़ी रेड कैंडल, डेली चार्ट है ना। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप, लेकिन फिर से नया लो, यहाँ एक चीज़ दिखी है हमको, 3 रेड कैंडल के बाद भी स्पिनिंग टॉप आ सकता है। लेकिन ये 3 बड़ी रेड कैंडल कहाँ पे थी? टॉप पे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 बड़ी रेड कैंडल जो बनी है कल, ये बॉटम पे बनी है, बॉटम पे, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात है, 3 ब्लैक क्रॉस लेकिन बॉटम पे, ठीक है। और जहां मैंने अभी आपको दिखाया, जहां आपको एक पैटर्न दिखाया, ये टॉप पे बनी। तो यहां एक्चुअली ये बहुत बड़ा बियरिश पैटर्न है, तो यहाँ मंदी कंटिन्यूएशन, लेकिन जब ये बॉटम पे बनता है, तो यहाँ देखिए सर, ये देखिए ये बॉटम पे, 1 2 3 रिवर्सल, और दिखाऊं, बॉटम पे कहीं पे भी 3 बनी एक साथ, ये देखिए 1 2 1 2 3 ये रिवर्सल, और भी कहीं बॉटम पे बनी। तो ओवरऑल हमको ये पता चल गया कि 3 ब्लैक क्रोस बने, लेकिन इस सब से हम खुश नहीं होते, क्योंकि जब तक हम इस लाइन के अंदर वापस कल री एंटर नहीं कर पाए, तो अब ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक हम इस लाइन के अंदर नहीं घुसे, हम तेजी करेंगे नहीं। मैं मंदी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे PCR काफ़ी ओवरसोल्ड है, निफ्टी फ्यूचर्स PCR मनी कंट्रोल 0.74 पे, तो यहाँ मंदी बिल्कुल भी नहीं बनती है। 100-200 पॉइंट के लिए मैं अपने आप को झोंकूंगा नहीं, ठीक है। 200 या 250 पॉइंट मिल सकते हैं आपको, इम्पॉसिबल नहीं है और मंदी, लेकिन यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है मंदी वाले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक इस लाइन के अंदर एंटर नहीं करता है, अब ये लाइन का फिगर रोज चेंज होंगे, क्योंकि कल के लिए जो अगर 18,000 कितना है, कल के लिए फिगर है 18,021। अगर हम ट्यूसडे के लिए देखें ये फिगर, तो 18,045।
जब तक इस लाइन के अंदर नहीं घुसेगा मैं तेजी नहीं करूंगा, ठीक है। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस लाइन के अंदर घुसेगा, भले कल नहीं घुसे, मंडे को नहीं घुसे, तो मंगलवार को डेफिनेटली ये घुसेगा। समझ में आया आपको? मैं 2 ही दिन आपसे ले रहा हूँ, मंडे और ट्यूसडे। मंडे को घुस गया तो ठीक है, मंडे को घुसने के लिए इसको 18,021 चाहिए, 21 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ट्यूसडे को घुसने के लिए इसको 18,070 चाहिए। तो ट्यूसडे को मुझे लगता है घुसेगा, मंडे को बोल नहीं सकते कि इसका फॉलो अप आएगा। ये 3 रेड क्रॉस के बाद क्या ये तेजी करेगा क्या? लेकिन अब ये जो तेजी होगी इसमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, कहाँ पे? ये जो लेवल है 18,500, ये अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर जाते वक्त। तो हम 18,500 तक पहुंच सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मगर इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम नया ऑल टाइम हाई का सपना नहीं देख सकते। एटीन फाइव हंड्रेड। अब देखिए आज क्या क्या चीज़ टूटी है वो भी देखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत कुछ हुआ आज। आज एक नॉर्मल मंडे नहीं था ये, यहाँ वीकली चार्ट लगाते हैं। वीकली में भी मैंने कल आपको दिखाया था, एज इट इज़ यही चीज़ टूट गई आज, ठीक है। तो ये टूटी है। अब इसका नियम क्या बोलता है दोस्तों? इसका नियम बोलता है डाउ थ्योरी के हिसाब से, सेकेंड वीक इसके नीचे क्लोजिंग आनी पड़ेगी, सेकेंड वीक। तो ये मामला ख़त्म, ये जो सपोर्ट था ये ख़त्म। तो सेकेंड वीक यानी कि हमको अगले फ्राइडे को किसी भी हालत में, ये क्या लेवल आ रहा है, 18,130 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 18,000 नहीं, 147, 18,147 के ऊपर फ्राइडे को हमको एट एनी कॉस्ट क्लोज करना पड़ेगा, ताकि ये वीकली वाला भी ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हो जाए। 18,147 इसको नोट डाउन रखिए, अगला फ्राइडे तक, ठीक है। 18,147 के ऊपर हमको एट एनी कॉस्ट आना पड़ेगा। अब देखो ये कितना अच्छा प्यारा दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेक हो गया, कल तक ये जिंदा था। अब वीकली बेसिस सपोर्ट देखें तो अगला सपोर्ट हमको ये वीक का लो है। ये कौन सी वीक है? 24 अक्टूबर की जो वीक थी, 24 अक्टूबर का जो सप्ताह था उसकी लो थी 6637। तो ये पहला सपोर्ट हो गया 6:37। दूसरा सपोर्ट हमको ये मानना पड़ेगा, ये कौन सा है?
नहीं, ये पहला सपोर्ट होगा 17670। आज का लो क्या, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता ना, तो पहला सपोर्ट है 17670 पूरी वीक के हिसाब से, ठीक है। दूसरा सपोर्ट है 17428, तीसरा सपोर्ट है 17348। एक चीज और है यहाँ पे, अभी तक ये पैटर्न जिंदा है, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, अभी तक, ठीक है, ये वीकली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब तक इस लो के नीचे नहीं आए तब तक बड़ी मंदी नहीं आएगी, तो ये बहुत नीचे का लो है 16700, ठीक है। तो ये पैटर्न अभी तक टूटा नहीं है। पैटर्न क्या होता है, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, तो ये क्या होता, हायर हाई, इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर, इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर, फिर से हायर हाई हायर लो। पैटर्न कब टूटता, जब इस लो को ब्रीच कर देता, ठीक है। तो यहाँ इस पैटर्न को टूटने के लिए ये लो ब्रीच करना पड़ेगा, बहुत दूर है, इतना नीचे आना पड़ेगा। तो मुझे तो आज एक ट्रैप जैसा ज़्यादा लग रहा है, ट्रैप काइंड ऑफ, जहाँ ऐसा ट्रैप किया कि उसने बहुत कुछ चीज़ें आज तोड़ के क्लोज किया। क्यों, जो भी टेक्निकल देखता है वो देखेगा ये सपोर्ट लाइन टूट गई है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेगा वो बताता हूँ, उसके बाद उसको दिखेगा वीकली में 20 में टूट गया, देखिए जो 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 टेक्निकल देखता है उसको क्यों क्यों मिसगाइड किया गया। वीकली में 20 में 17820 था, आज हमने उससे नीचे क्लोज किया वीकली का 20 में, वीकली का। दूसरा 100 में डेली में, डेली का था, डेली चार्ट का 17833, तो दोनों को तोड़ दिए, लेकिन दोनों के नीचे आज एक क्लोजिंग आई है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया। तो आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ, एंड एक्सट्रीमली शेमफुल द वे मार्केट बिहेव। बहुत दिन में राइट था, लेकिन पिछले 5-6 दिन से आई एम सीइंग कि मैं रीड करने में मैं तेज़ी को ज़्यादा दिमाग में रख के चल रहा था, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, 10 और 20 का क्रॉसओवर आ चुका है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे अच्छी है जो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे लिए जो भी मार्केट में करेक्शन है वो शॉर्ट टर्म का ही है, शॉर्ट टर्म का ही है, शॉर्ट टर्म मतलब 5-7 दिन का ही है। उसमें से आप 3 बड़े दिन तो देख चुके हो, 3 बड़े रेड कैंडल देख चुके हो, क्योंकि जब भी 20 वाला अगर 50 के ऊपर है तो 10 वाला 20 के नीचे गया, बस उतना ही करेक्शन शॉर्ट टर्म होता है। तो 20 वाला अभी 50 से काफ़ी ऊपर है, 20 EMA 346 है जबकि 50 EMA 173 है। तो इसको बदलाव आने के लिए निफ्टी को और 1200 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तब जाके मिड टर्म में भी हम ये बोल सकते हैं ये मंदी ज़्यादा दिन तो टिकने वाली नहीं है, अगर रहती भी है तो 2 से 3 दिन और रह सकती है वर्स्ट केस में, ठीक है। ऑलरेडी हमने 3 मंदी, 3 बड़े बियरिश डे देख लिए, तो हम 3 दिन और देख सकते हैं वेरी वर्स्ट केस में, ठीक है। इसलिए मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि हालांकि लगता नहीं है लेकिन बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हो रहा है,
बस हमको अब इस पे ध्यान देना कि हम मंडे को किसी तरह 18,021 या 22 के ऊपर क्लोजिंग दे पाए, जिससे हम आज 200 पॉइंट दूर हैं। तो मंडे को आपको 200 पॉइंट की रैली बहुत मुश्किल है क्लोज करना। रैली आ सकती है लेकिन टिकाऊ रैली आना थोड़ी मुश्किल लगती है। तो इसीलिए मैं मंगलवार का फिगर भी आपको गिना दिया। मंगलवार का फिगर आ जाएगा आपका 18,020। मंगलवार का आना चाहिए हमको क्लोजिंग 18,060 के ऊपर। तो हम मंगलवार को मान सकते हैं ज़्यादा बेटर, हम वापस इस लाइन में। तो अब देखिए, समझदार आदमी को तेज़ी कब करनी चाहिए, जब इस ट्रेंड लाइन के अंदर हम घुस जाए, इस सपोर्ट लाइन के अंदर वापस घुस जाए। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताता हूँ, डाउ थ्योरी के एक और नियम बताता हूँ। कल अगर ये लो ब्रीच किए बिना अगर रेड कैंडल बनती है, ध्यान दीजिएगा, तो हम उसको सेकेंड क्लोजिंग नहीं मानते। आज का लो ब्रीच किए बिना सेकेंड कैंडल रेड बन जाती है तो उसको आप फिर से धोखा मानिएगा। सेकेंड रेड कैंडल बनना जरूरी है, लेकिन सेकेंड रेड कैंडल शुड ब्रेक द लो ऑफ फर्स्ट रेड कैंडल। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कल ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप करके लेकिन इसके नीचे क्लोज करें। ठीक है, तो वहाँ आपको ये नहीं मानना कि दो क्लोजिंग हो गई। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।